Hello everyone. I'm very excited today because I had just bought a car और जो कि बहुत ही मुनासिब है, आप उसे ये कह सकते हैं, आम लफ्ज़ों में कि सस्ती है. और आप शायद हैरान होंगे कि सिर्फ 3 लाख रुपए में मुझे इतनी अच्छी कार कैसे मिल गई. हकीकत ये है कि यहाँ पे कार्स, ख़ासतौर पे यूज्ड कार, काफ़ी सस्ती होती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो यूज़ चीज़ आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी या उसकी वो कोई अच्छी कंडीशन में नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो चलें आपको दिखाता हूँ जो कार मैंने ली है सिर्फ 3 लाख रुपए में. और जनाब ये रही मेरी कार. हाँ तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे. ये 1.4 इंजन है निसान मिक्रा. इसको ड्राइव करने के लिए आपके पास पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश का लाइसेंस होना चाहिए पहले. तो आप 1 साल तक इसे यहाँ ड्राइव कर सकते हैं. और एक और चीज़, गाड़ी लेते ही यहाँ पे आपको इंश्योरेंस करनी है. गाड़ी में बैठने से पहले किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले लेनी है. फेसबुक मार्केटप्लेस एक बहुत ही यहाँ पे यूज़फुल टूल है, जो कि लोग कोई भी यूज़ चीज़ ख़रीदने से पहले जो है वो उस टूल पे जाते हैं और उस टूल से उस फेसबुक मार्केटप्लेस पर चीज़ें बाय कर लेते हैं. तो ये पीछे इसके टायर्स हैं, ये समर टायर हैं, क्योंकि अभी विंटर है तो इसको विंटर टायर लगे हुए हैं. यहाँ पे हर साल विंटर में आपको टायर चेंज करने पड़ते हैं, विंटर टायर लगवाने पड़ते हैं. यहाँ पे सीट बेल्ट जो है जनाब वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपने गलती से सीट बेल्ट भूल ली पहनना तो आपका लाइसेंस कैंसिल. सीट बेल्ट की आपको इतनी आदत हो जाएगी यहाँ पे कि जब कभी आप वापस जाएंगे अपने मुल्क में तो आप बैठते ही पहले सीट बेल्ट लगाएंगे और लोग हंसेंगे आप पे कि क्या आप बेवकूफ़ हैं बार बार सीट बेल्ट लगा रहे हैं. तो शायद अपनी जान की हिफाजत करना, पता नहीं, शायद बेवकूफ़ी हो हमारे नज़दीक. अच्छा जी, इतना वो सीधा ट्रक मैंने पहली दफ़ा देखा है यहाँ स्वीडन में. तो अभी ये हैंड शॉप पे एक ब्रेक लगाई है, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है यहाँ से. तो यहाँ पे अभी शाम के तकरीबन 3:15 हुए हैं और अंधेरा भी होने लग पड़ा है. बड़ी जल्दी सर्दियों में दिन ढल जाता है यहाँ पे. अब बात करते हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग करना कैसा है, आसान है, मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है और हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव होती है. तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप हर बार दिल करेगा रॉन्ग वे में घुसने का, क्योंकि यहाँ पे चूँकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो आने जाने के रास्ते भी टोटली अपोजिट हैं. सजेशन यही है कि आप आएँ तो पहले किसी के साथ कुछ अरसा बैठें, कुछ दिन देखें, रूल्स को समझें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टू बी ऑनेस्ट अपने कंट्री में अप्लाई नहीं करते और कई बातों का तो हमें पता भी नहीं होता. तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पहले समझ लें बिल्कुल रोड पे आने से पहले, क्योंकि अगर आप ऐसा हुआ कि गाड़ी ली और रोड पे आ गए और तो मुश्किल हो सकता है, उसका हादसा भी कोई हो सकता है. और अगर पुलिस आपको रोक लेती है तो उसमें ये है कि पुलिस आपको फ़ाइन भी कर सकती है और आपके लाइसेंस कैंसिल होने के भी चांसेस हैं. और जब आपने यहाँ गाड़ी ले ली और गाड़ी ड्राइव करना शुरू हो गए तो इसके साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी. एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ मेरे साथ. मैं लॉक ओपन करके अपनी गाड़ी का लॉक खोल रहा हूँ और लॉक खुल नहीं रहा. ये समझ नहीं आ रही कि क्या मसला हुआ मेरी गाड़ी के साथ. जनाब मैं किसी दूसरी गाड़ी जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है उसके साथ खड़ा हुआ था यहाँ पे आके और खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुल नहीं रहा. फिर मेरे माइंड ने काम किया कि गड़बड़ है कोई, और मुझे ये समझ आ गया था कि मैं किसी दूसरी गाड़ी को
कर रहा हूँ। और फिर खैर कभी कभी ऐसा होता है आप काम के बाद थोड़े थके होते हैं और इस तरह की हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा वरीड हुआ, लेकिन फिर समझ आ गई, बहुत ज़्यादा जलालत नहीं हुई। तो ये यहाँ का मैकडोनल्ड और कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद ये पार्किंग, और अब ये जनाब मेरी तो खुल जाएगी ना। हाँ जी ये खुल गई है। पेट्रोल डलवाने का यहाँ तरीका कार ये है कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप पे नहीं होता जो आपको आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाले, असिस्ट करे। आपने वहाँ काउंटर से एक रसीद लेते हैं और उस रसीद को मैं यहाँ इधर कर दूँगा। सबसे पहले स्टार्ट किया और इंग्लिश, अब मैं अपनी पिन एंटर करूँगा। अरे यार खुल जा, सर्दी में हर चीज़ ही मुश्किल होती है। नहीं जी चल, ये यहाँ 300 करोना का मैंने फ्यूल इसमें लोड करना है। बाहर ज़्यादा देर खड़ा होना बहुत मुश्किल है, और ये बस तकरीबन एक दो मिनट भी नहीं लगा होगा। फ्यूल डालते वक्त मेरे हाथ इस तरह बिल्कुल जो है वो सर्दी से सुन हो गए थे। तो जी 19 करोना पर लीटर, 95 पेट्रोल को यहाँ 95 कहते हैं, तो वो मैंने फिल किया उससे अपना, तो तकरीबन हाफ हो गई है मेरी जो है वो फ्यूल टैंक। तो बहुत सी कंट्रीज़ की तरह यहाँ भी जैसे कनाडा का आई डोंट नो, बट इंग्लैंड में ऐसा होता है कि आपको खुद पेट्रोल उतर के फिल करना होता है, और यहाँ भी ऐसा ही है। किसी हद तक ये बात अच्छी भी है, और किसी हद तक इसका नुकसान ये है कि बहुत सारी जॉब्स लोगों की मारी गई हैं। अब अपना घर आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो पार्किंग होती है वो आपको बाय करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, ख़ासतौर पे स्वीडन में तो, जहाँ पे पार्किंग फ्री मिल जाए आपको। यहाँ आपको पार्किंग बाय करना पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्नो के बाद यहाँ पे तो हालात कुछ ऐसे हैं कि कहाँ, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से कोई ताज़ी ताज़ी गाड़ी निकली हो वहाँ पे बंदा पार्क कर दे, ताकि स्नो में घुसना ना पड़े। तो ये सारी पार्किंग है, ये हमारी जो रेजिडेंसी है यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं उसके साथ ही है बिल्कुल। जनाब ऐसी तो कोई जगह नहीं मिल रही। चलें ये बिन आ गई है यहाँ पे, ये वेस्ट बिन है, तो अब यहाँ पे आ गए हूँ तो कुछ गाड़ी को ही हल्का कर लूँ। जी तो है जी यहाँ की वेस्ट बिन, मुझे क्या फेंकना है, मुझे न्यूज़पेपर्स फेंकनी थी, वो मैं यहाँ फेंक देता हूँ। ये देखें जी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, और ये देखें जी सोफा बड़ा हुआ जी वेस्ट बिन में। तो अक्सर ऐसा ही होता है, लोग यहाँ पे गम कर देते हैं काफी सारी चीजें। बर्फ जब ताजी ताजी पड़ जाए तो रेत की तरह होती है, और बर्फ पे गाड़ी चलाना ऐसे ही लगता है जैसे आप रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं। तो चलें यहाँ पे एंड करते हैं अपने इस व्लॉग का। आपको जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मजीद आपसे मुलाकात होगी और गपशप लगाएंगे। गुड बाय। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.